दोस्तों मनोज दे जिनके चैनल पर 45 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर हैं, तो उनके चैनल पर कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, मतलब कोई दिक्कत आ गया था। तो जब भी मैं यूट्यूब खोलता था ना, तो वहाँ पर देखता था कि मनोज दे का चैनल डिलीट होने वाला है। कोई कह रहा है कि यूट्यूब ने लात मार दिया मनोज दे को, कोई कह रहा 2 स्ट्राइक आ गया है। तो मैं सोच रहा था कि वीडियो ना बनाऊं, लेकिन बनाना पड़ रहा है। दोस्तों काफ़ी लोग हैं ना मनोज दे से जलते भी हैं, मतलब घृणा करते हैं, क्योंकि वो बड़ा यूट्यूबर है और उनका अच्छा खासा सब्सक्राइबर है और व्यूज भी अच्छा खासा आता है, लोग भी मानते हैं उनकी बातें। लेकिन कुछ लोग हैं ना जलते हैं उनसे, जलते इसीलिए है क्योंकि उनका व्यूज ज़्यादा आता है और जो बड़े बड़े भी यूट्यूबर हैं उनके कम आता है, इनसे कम आता है। तो क्या करते हैं कि इनके चैनल पर थोड़ा सा दिक्कत आया है, तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी अपने अपने तरीके से, अपने अपने विचारधारा से ना वीडियो बना दिया है। तो दोस्तों मनोज दे का चैनल डिलीट नहीं होगा, काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि डिलीट हो जाएगा, लेकिन डिलीट नहीं होगा। देखिए ये मैं मानता हूँ कि चैनल बड़ा हो या छोटा हो, अगर 3 स्ट्राइक आता है तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, चाहे छोटा चैनल हो चाहे बड़ा चैनल हो। तो मनोज दे ने एक एप्लीकेशन को प्रमोट किया था, तो कुछ लोगों ने क्या करा कि उस वीडियो पर जाकर इतना रिपोर्ट किए हैं कि यूट्यूब ने उस वीडियो को रिव्यू में ले लिया। जब रिव्यू में ले लिया है तो उसमें कुछ गलती था, जो मतलब कम्युनिटी स्ट्राइक पड़ गया है, मतलब यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ था, तो यूट्यूब ने कम्युनिटी एक स्ट्राइक दे दिया है। उसके बाद जो लोग रिपोर्ट मार रहे हैं ना मनोज दे चैनल पर, दोस्तों वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो 5,000, 7,000, 8,000 लेकर चैनल मोनेटाइज करवाते हैं ना, वो लोग हैं। क्योंकि मनोज दे ने एक ट्वीट किया था यूट्यूब को कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से, मतलब गलत तरीके से वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं और सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं। तो यूट्यूब ने एक्शन लिया या नहीं लिया, लेकिन वो लोगों ने ग्रुप में मिलाकर, मतलब अपने लोगों को मिलाकर और मनोज दे चैनल पर रिपोर्ट मरवा रहे हैं लगातार। और मनोज दे स्टोरी में कह भी रहा है कि मैंने जितना यूट्यूब से कमाया है ना 7 साल में, वो सब के सब लगा दूंगा और उन सबको अंदर करवाऊंगा, बिल्कुल अंदर करवाऊंगा, कोई भी नहीं बचेगा। मनोज दे ने सबका नंबर निकाल कर और कंप्लेन कर दिया है और कार्रवाई जो है चालू हो चुका है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ गलत है, जिसने 7 साल तक मेहनत किया है, पसीना बहा है और 45 लाख सब्सक्राइबर को खड़ा किया है, मतलब जोड़ा है, और काफ़ी लोग उसे मानते भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। अगर आप किसी के चैनल पर जाकर रिपोर्ट करते हो, उसका मेहनत बर्बाद करते हो, तो ये गलत है। मनोज दे को हल्के में ले रहे थे लोग, सोचे ना कि सिंपल तो रहता ही है, क्या उखाड़ पाएगा। तो भाई आप है ना, जब नॉर्मल रहते हो ना, कोई भी इंसान हो, तो लोग उसे समझते हैं कि बस ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अपना भी पावर कभी कभी दिखाना भी पड़ता है, दिखाना भी चाहिए। तो कुछ मनोज दे भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, और चैनल थोड़ा खतरे में है लेकिन डिलीट नहीं होगा, कुछ ना कुछ मनोज दे करेंगे। मान लो 45 लाख सब्सक्राइबर है तो ऐसे थोड़ी ना जाने देगा मनोज भाई, है भाई पसीने बहाया उसने 7-8 साल तक, एकदम लगातार पसीना पसीना बहाया है, तब जाकर 45 लाख सब्सक्राइबर आए हैं। और काफ़ी जो लोग हैं उनको हेल्प करना चाहिए, तो उन पर वीडियो बना रहे हैं। हम तो छोटे सब्सक्राइबर हैं, मतलब छोटे यूट्यूबर हैं जिनका पता नहीं है कि यूट्यूब चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन जिनका लाखों में सब्सक्राइबर है वो लोग तो भाई मज़े मज़े में बना रहे हैं, मनोज भाई का ये हो गया, मनोज भाई का वो हो गया, मनोज भाई ऐसे खतरे में। तो ये गलत है, अगर किसी के चैनल पर ऐसी परेशानी, अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रहा, रिपोर्ट आ रहा,
तो सारे यूट्यूबर एक साथ सहयोग दो ना। ऐसा नहीं है कि आप मान लो मनोज देव बड़ा यूट्यूबर है और तो ऐसा नहीं कि उसका यूट्यूब चैनल उड़ा दो और जितने भी उनके सब्सक्राइबर है वो आपको देख आपकी वीडियो देखे, ऐसा गलत है ना। तो कुछ लोग ऐसा ही चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद।